गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट दिस सोशियोलॉजी सेशन चैप्टर नंबर 5 तहजीब और समाजियतकारी, जिसमें हमने पिछले सेशन में तहजीब की किस्में, तमद्दुन के मानी और तमद्दुन का दायरा अमल के मुतालिक फहमाइश हासिल की थी। आज का हमारा टॉपिक है समाजियतकारी, जिसे गुजराती में कहते हैं सामाजिकीकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं समाजियतकारी यानी क्या। समाजियतकारी के मानी में हम देखते हैं, समाजियतकारी एक अमल है। ये अमल ज़िंदगी इंसान की ज़िंदगी तक मुसलसल चलता रहता है। क्या कहते हैं माहिर उमरानियत, समाजियतकारी एक अमल है और ये अमल इंसान की ज़िंदगी तक मुसलसल चलता रहता है। आसान लफ्ज में, हयातियाती फ़र्द को समाजी फ़र्द बनाने वाला अमल समाजियतकारी के तौर पर पहचाना जाता है। हयातियाती फ़र्द यानी ज़िंदगी जीने वाला फ़र्द, तो उसको समाजी फ़र्द बनाने वाला जो अमल है तो वो है समाजियतकारी। समाजियतकारी के नतीजे में फ़र्द समाज के एक मेंबर के तौर पर समाजी तौकात के मुताबिक ज़िंदगी जीना सीखता है। समाज में रहकर समाज में रीति रिवाज के मुताबिक ज़िंदगी जीना सीखता है। समाजियतकारी बच्चे को समाज के मेयार, इकदार, जज्बात, किरदार और बर्ताव के तरीके सिखाने वाला एक अमल है। माहिर उमरानियत क्या कहते हैं कि बच्चे को समाज के मेयार, उसके रस्म व रिवाज, उसके इकदार, उसके जज्बात और किरदार और बर्ताव के तरीके सिखाने वाला अमल है समाजियतकारी। समाजियतकारी की वजह से बच्चा अपने समाज की तहजीब में, ढांचे में तश्कील पाता है। समाजी तौकात को पूरा करने के लिए वो काबिल बनता है, यानी समाज से जो भी उम्मीदें जुड़ी होती है वो उम्मीदों को पूरा करने के लिए उस काबिल बनता है। इसी तरह समाजियतकारी बच्चे की समाजी तहजीबी ज़िंदगी को तरबियत देने वाला अमल है। समाजियतकारी एक ऐसा वहामी अमल है जिसके ज़रिए फ़र्द आदतें और रिवायतें और अक़ल सलीम सीखता है। अब हम देखते हैं समाजियतकारी की तारीफ। माहिरीन उमरानियत किंग्सले डेविस ने समाजियतकारी के बारे में बताया है कि नौमौलूद बच्चे का समाजी फ़र्द के तौर पर तरबियत पाने का अमल समाजियतकारी कहलाएगा। क्या कहते हैं किंग्सले डेविस के नौमौलूद बच्चा समाजी फ़र्द के तौर पर वो तरबियत पाए, वैसी तालीम हो और वो तरबियत के साथ साथ एक समाजी फ़र्द बन जाए तो वो अमल कहलाएगा समाजियतकारी। समाजियतकारी जिसके ज़रिए फ़र्द अपनी आदतें, अपनी सलाहियतें, रिवायतें और अक़ल सलीम सीखता है और समाजी ग्रोह जमातों में मुअस्सर किरदार अदा करने के लिए लाजमी है। समाजियतकारी के बग़ैर समाज अपने आप कायम नहीं रह सकता या तहजीब का वजूद बाकी नहीं रहता। इसको और भी अच्छे से समझने के लिए उमरानियत दा हार्टन और हंट ने बताया है कि समाजियतकारी एक बाहमी अमल है कि जिसके ज़रिए फ़र्द अपने ग्रोह के मेयार को अपनी ज़िंदगी में उतारता है, जिसके नतीजे में एक मखसूस खुद जन्म लेता है, अपने ग्रोह में, अपने ग्रुप में, अपने समाज के मेयार के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारता है, जिसके नतीजे में वो अपने आप को, अपने एक मखसूस खुद को जन्म लेता है। इसके बाद का हमारा टॉपिक आता है समाजियतकारी के अवामिल या एजेंसियां।
जिसे गुजराती में कहते हैं सामाजिकीकरणना वाहको। फर्द की ज़िंदगी में बचपन से लेकर मौत तक के कई एजेंसियां उसको सामाजिक बनाने का काम करती है, जिनमें से कुछ एजेंसियां यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहला है ख़ानदान, जिसे गुजराती में कहते हैं कुटुंब। दूसरा है हम उम्र ग्रोह यानी जूथ। तीसरा है स्कूल यानी शाड़ा। और चौथा है ज़राए अबलाग यानी मास मीडिया वगैरह सोशल मीडिया। इन चार एजेंसियों के मुताबिक समाजियतकारी जन्म लेती है और समाजियतकारी में इजाफा होता है, और इन्हीं चार एजेंसियों में फ़र्द अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ख़ानदान। दुनिया की तमाम तहजीबों में ख़ानदान समाजियतकारी का बुनियादी और अहम ज़रिया है। माहिर उमरानियत दा कहते हैं कि जितनी भी तहजीब है दुनिया में, तो तमाम का बुनियादी और अहम ज़रिया है ख़ानदान। बच्चा सबसे पहले अपने ख़ानदान के ताल्लुक में आता है। सबसे पहले तो बुनियादी और अहम ज़रिया ख़ानदान है। बच्चा सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है, छोटा होता है, तो सबसे पहले वो अपने ख़ानदान के ताल्लुक में आता है, अपने माँ बाप अपने बहन भाई के ताल्लुक में आता है, और उन्हीं के ताल्लुक से वो एक हयातियाती फ़र्द से समाजी फ़र्द बनता है। समाजी फ़र्द कैसे बनता है? समाज के रहने, समाज के साथ, समाज में जो लोग हैं उनके साथ ताल्लुक रखना, लेन देन करना, मुताबिकत कायम करना, तो ये हयातियाती फ़र्द से समाजी फ़र्द बनता है। और ये समाजी फ़र्द बनने के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है कोई, तो वो है ख़ानदान। ख़ानदान के ज़रिए ज़्यादातर तहजीबों में ख़ानदान में माँ का दर्जा सबसे ज़्यादा समाजियतकारी के लिए अहम है। माँ बाप और सिंगल पेरेंट्स का प्यार, ममता, मोहब्बत बच्चे के मन में समाजी ने ज़हनी सलामती का जज्बा पैदा करते हैं। जो लोग ख़ानदान में परवरिश पाते हैं, तो उनके अंदर जज्बा सलामती, ज़हनी सलामती का जज्बा पैदा होता है। फ़र्द की तरक्की के लिए ये बहुत अहम होता है। ख़ानदान बच्चे को उस बर्ताव के लिए रहनुमाई, तरगीब शुदा और वाज़े तौर पर मुहैया करता है, और उन मियारों को समझ दबाव के ज़रिए अमल करवाता है। बच्चे को अपने भाई बहन के साथ मसावकत और ताल्लुकात ख़ानदान से ही मिलते हैं। बच्चा कोई अच्छा काम करता है या कोई बुरा काम करता है, जो बच्चा अगर ख़ानदान में परवरिश नहीं पाता, तो अक्सर वो उनकी परवरिश सही से नहीं होती, वो डाकू, चोर या वगैरह की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। ख़ानदान बच्चे को समाज के बुनियादी इकदार, मेयार, सलूक, बर्ताव का तरीक़ा सिखाते हैं। ख़ानदान उसको समाजी, अवामी, इखलाकी रिवायत, रीति रिवाज बताते हैं। ख़ानदान की कमी होने की वजह से या ख़ानदान में परवरिश न पाने की वजह से बच्चों में अवामी इखलाक, बुनियादी इकदार, मेयार, सलूक, तहजीब की कमी होती है, और बच्चे अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार नहीं पाते। जदीद दौर में मुलाजमत करने वाली माँ पर बच्चे की हिमागिरी, तरक्की की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। ख़ानदान की तहजीब माशी हालत समाजियतकारी पर असर करती हैं। मसलन रिवायत प्रस्त ख़ानदान में परवरिश पाने वाले बच्चे अपने फराग दिल ख़ानदान में परवरिश पाने वाले बच्चे में बहुत फ़र्क नज़र आता है। तो समाजियतकारी को अपनाने के लिए या समाजी फ़र्द बनने के लिए तो सबसे अहम रोल अदा करता है तो वो है ख़ानदान, माँ बाप, बहन भाई, जिसके साथ हम ताल्लुक जोड़ते हैं और समाजियतकारी के ज़रिए हम समाज में रहना सीखते हैं और समाजी फ़र्द बनते हैं। उसके बाद दूसरा आता है हम उम्र ग्रो यानी कि फ्रेंड सर्कल। बच्चे की समाजियतकारी के लिए ख़ानदान का
अलावा दूसरी एजेंसी है, उसका नाम है हम उम्र ग्रो। ख़ानदान के बाहर अपने हम उम्र दोस्तों के साथ बाहमी ताल्लुक से जुड़ना, ऐसा अमल हम उम्र ग्रो के बच्चे की समाजियत कारी करता है। ये ग्रो करीबी होने की वजह से बच्चे अपने दोस्त के साथ ताल्लुकात गहरे इनफरादी हमदर्दी से भरे हुए होते हैं। उससे बच्चा बातचीत, नज़्म ज़ब्त, बर्ताव, उसूल, मियार वगैरह सीखता है। ऐसा हम उम्र ग्रो पड़ोस में भी होता है, स्कूल में भी होते हैं। बच्चे के अपने दोस्त के साथ ताल्लुकात, आज़ादी, मवासत के माहौल की अहमियत है। ये ताल्लुकात इख्तियारी उत्पादी नहीं बल्कि मसावी होते हैं। खेल कूद के दौरान उनकी सलाहियत में उसूलों की पाबंदी, समाज के ग्रो उसूलों पर किस तरह अमल करना चाहिए उसका ख्याल आता है। हम उम्र ग्रो के साथ रहने से बच्चों में ताउन का जज्बा पैदा होता है और एक दूसरे के लिए दरगुजर करने का जज्बा भी तरक्की पाता है। तो फ़र्द को समाजी फ़र्द बनने के लिए और समाजियत कारी के लिए बच्चे हम उम्र ग्रो में अगर समाजी कायदे उसूल पर अमल करता हो तो बच्चे की समाजियत कारी पर मुअस्सर असर बनता है। बच्चों को एक दूसरे पर ज़्यादा असर पड़ता है। हम उम्र ग्रो की अच्छी आदतें, उनके अच्छे ख्यालात, उनकी मालूमात, उनकी काबिलियत, उनका अच्छा बर्ताव वगैरह सीखता है। जैसी सोबत ऐसा असर, यह आपने सुना होगा, समाजियत कारी को हकीकी तौर पर जाहिर करता है। अब पिछले सेशन में हम अब आने वाले सेशन में हम स्कूल, ज़राए अबलाग और समाजियत कारी के दिगर अवामिल के मुतालिक फहमाइश हासिल करेंगे। अभी हमने ख़ानदान और हम उम्र ग्रोह के मुतालिक दी, जिसके ज़रिए इंसान समाजी फ़र्द बनता है और समाजियत कारी सीखता है।